हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बढ़िया हमारा ये क्वेश्चन है, राइट। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। टेलर थ्योरम पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है, राइट। एक्सपेंड 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1 इन पावर ऑफ x माइनस 2, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये हमारे दोनों ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ बाय द टेलर थ्योरम 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 53 x माइनस 2 प्लस 19 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 का होल क्यूब, राइट। ये हमें गिवन है इतना। दोनों ही हमारे बड़े गजब के और इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले क्या है, हमें टेलर थ्योरम का एक्सपेंशन को हमें समझना होगा कि टेलर थ्योरम को हम किस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं, राइट। तो भाई टेलर थ्योरम आपने देखी होगी, सॉल्यूशन हम इसका सीखेंगे। बाय टेलर थ्योरम अगर मान लीजिए फंक्शन आपका fx है, यहां समझना होगा, पॉइंट टू नोट डाउन, फंक्शन तो आपका f of x है, लेकिन हम एक्सपेंड कर रहे हैं f of a plus h को। फंक्शन f of x है, हम a plus h को हम एक्सपेंड कर रहे हैं h की इंक्रीजिंग पावर में। देखिए, हमने बताया था लास्ट वीडियो में, जब हमने मैक्लॉरिन थ्योरम पर बेस्ड हमने क्वेश्चन जब हमने सॉल्व कराए थे, तो वहां पर हमने आपको बताया कि जब हमें x की इंक्रीजिंग पावर में, सिंपल x, वेरिएबल x की इंक्रीजिंग पावर में जब हमें फंक्शन को एक्सपेंड करना होता है, तो हम यूज करते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम का। लेकिन जब हमें किसी फंक्शन को किसी अदर वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है असेंडिंग पावर में, तो हम यूज करते हैं टेलर थ्योरम का। जैसे हमारा फंक्शन तो हमारा x का है, लेकिन हमें एक्सपेंड करना है किसकी फॉर्म में, x माइनस 2 की फॉर्म में। तो x वेरिएबल तो x नहीं है ना, x माइनस 2 की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सपेंड करना है हमें। तो हमें यहां पर समझ जाना होगा कि भाई यहां तो हमारा लगेगा टेलर थ्योरम। अब टेलर थ्योरम क्या कहता है, अगर हमारा f of फंक्शन हमारा f of x है, लेकिन हम f of a plus h को h की इंक्रीजिंग पावर में a पॉइंट पर ब्रेक कर रहे हैं, तो हमें यह मिलेगा f of a h upon 1 factorial f dash a plus h square upon 2 factorial f double dash a plus h cube upon 3 factorial f triple dash a plus dash 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 dash, ये चलता रहेगा कंटिन्यूस। अब इसी का एक, देखिए दोनों को हमें, इसका एक और वर्जन है, सेकंड वर्जन, उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम इनडायरेक्टली हम समझेंगे तो ये हमारे दोनों फॉर्म हमारे सेम हैं। अगर मान लीजिए मैं a का वैल्यू x ले लेता हूं, a का वैल्यू मैंने क्या ले लिया, x, तब कोई अंतर छोड़ी ना आएगा। इफ a इज इक्वल टू x, देन टेलर थ्योरम क्या हो जाएगी, f ऑफ x और h की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, h की फॉर्म में, h की असेंडिंग पावर में, f डैश x प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x प्लस डैश 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 डैश। ये दोनों ही फॉर्म को हमें बड़े ही सावधानी पूर्वक और क्लियरिटी माइंड में, एकदम क्लियरिटी के साथ हमें इनको लर्न करना होगा, समझना होगा, राइट। अब समझना क्या है कि हमारा फंक्शन तो हमें ये गिवन है, हम इसका यूज करेंगे, राइट। मैं आपको एक बताऊंगा, एकदम क्लियरिटी माइंड में ले आइए। फंक्शन आपका fx है, हम a प्लस h, हमें a और h का वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना होता है बड़ी अच्छे से, अच्छे वे से हमें a और h का वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। तो मैं इस सेकंड फॉर्म को मैं रफ करने जा रहा हूं, बुक में भी आपको ये दोनों फॉर्म आपको मिल जाएंगे, राइट। देखिए फंक्शन, पहले हम फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन आपका जो fx है, हियर fx है हमारा, ध्यान समझना, 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1, ये हमारा फंक्शन। इसके डेरिवेटिव्स जो आएंगे उनको हम फाइंड कर लेंगे इजीली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। फाइंड मतलब उधर साइड में फाइंड कर लेंगे, राइट। अब मान लीजिए कि हमें x माइनस 2 की असेंडिंग पावर में हमें इसे एक्सप्रेस करना है, तो मैं तो fx को ऐसे लिख सकता हूँ भाई, fx इज इक्वल टू
एफ ऑफ, हमें एक्स माइनस टू लेके आना है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, टू प्लस एक्स माइनस टू, भाई टू से टू कैंसिल हो गया, एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया, राइट। और मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ टू प्लस एक्स माइनस टू। अब जरा यहां पर हम अप्लाई करेंगे टेलर थ्योरम यहां पर, तो भाई टेलर थ्योरम से, टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर आप ध्यान से देखिए, ए हमारा हो जाएगा टू, एच हमारा हो जाएगा एक्स माइनस टू, और यहां टेलर थ्योरम में पुट कर दीजिए, तो यहां पर ए इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा टू, और एच इक्वल टू मिल जाएगा हमें एक्स माइनस टू वाई, टेलर थ्योरम, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन ए, राइट। समझना, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, राइट। मैथमेटिक्स में यही थोड़ा सा क्लियरिटी अगर माइंड में बन गई, एक बार करते जाएंगे, चेन हमारी बन जानी चाहिए, एक बार कंसेप्ट की एक बार चेन बन गई तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये स्टेप कैसा आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, बस यही है हमारा, राइट। तो हमें एफ ऑफ एक्स हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू, ये सब एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, लेकिन हम इसके लिए एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमारा ए हमारा टू, एक्स हमारा एक्स माइनस टू, यहाँ पर पुट कर देंगे आप, राइट, यहाँ पर पुट कर दीजिए, अगर आप ए का वैल्यू टू और एच का वैल्यू एक्स माइनस टू यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा आपको 100%, एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ टू प्लस एच कितना है हमारा एक्स माइनस टू अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश टू प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश टू प्लस एक्स माइनस टू का होल क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश टू। आप देखिए इसके बाद से अगर आप एक टर्म, हम इससे आगे टर्म को नहीं लिखने वाले हैं, अब क्यों नहीं लिखने वाले हैं? आप बोलेंगे भी क्यों क्यों नहीं लिख रहे हैं आप, इसका भी रीजन देंगे हम। मान लीजिए आपने लिख दिया, मान लीजिए चलिए लिख दिया, ये लीजिए आपकी संतुष्टि के लिए, ये हमने लिख दिया, लो भाई फोर फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे आएगा एफ फोर डैश टू, राइट। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, हमको समझना क्या, ये फोर है बेटा, कितना है ये फोर, राइट, ये थ्री है हमारा, हमें इनके डेरिवेटिव्स तो फाइंड करने होंगे भाई, एफ ऑफ एक्स तो हमारा ये रहा, इसके डेरिवेटिव्स तो फाइंड करने होंगे, अगर मैं इसका फोर टाइम्स डेरिवेटिव करूंगा तो वो तो वैसे जीरो हो जाएगा, हर पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका फंक्शन का जो पावर है वो मैक्सिमम थ्री है, पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा, तो इसको हम साइड में निकाल ले रहे हैं, एक मिनट जरा हमें देखना पड़ेगा कितना हमारा स्पेस है इधर राइट हैंड साइड में, हाँ स्पेस तो बहुत है, देखिए अब आपको समझना क्या, यहाँ पर हम इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, ये हमारा है इक्वेशन नंबर ए, राइट। तो एफ एक्स हमारा कितना है, एफ एक्स है हमारा ये है ना, एफ एक्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट, एक मिनट वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, एक मिनट, देखिए अब आपको समझना क्या, यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारा फंक्शन क्या है, हमारा ये है फंक्शन, फंक्शन को भी लिख लेते हैं, टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, राइट। एफ डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स हमारा आएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस वन, एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा ट्वेल्व एक्स प्लस फोर्टीन, एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना आएगा ट्वेल्व, और एफ फोर डैश एक्स हमारा हो जाएगा जीरो, तो इसका वैल्यू हर पॉइंट पर जीरो होगा, इसको हमें रखना ही नहीं होगा क्योंकि ये टर्म हमारा आएगा ही नहीं, इससे आगे वाली जितनी भी टर्म है सब जीरो, सारी टर्म हमारी जीरो हो जाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एफ ऑफ टू का वैल्यू, आप यहां पर एफ एक्स का वैल्यू टू पुट कर दीजिए, तो एफ ऑफ टू को मैं डायरेक्ट में लिखने वाला हूं, तो ये हमारा हो जाएगा आठ दूनी सोलह चार सत्तर अट्ठाईस, चार सत्तर अट्ठाईस प्लस दो माइनस एक, तो ये हमारा हो गया तीस चवालीस, और एक यहाँ से मिल गया पैंतालीस, राइट। एफ ऑफ टू कितना गया फोर्टी फाइव, एफ डैश टू कितना आएगा हमारा, इनको मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, तो चार छः चौबीस और चौदह अट्ठाईस और प्लस वन चालीस पचास बावन तिरपन, राइट। एफ डबल डैश टू कितना आएगा हमारा, बारह दूनी चौबीस, चौबीस प्लस चौंतीस और चार अड़तीस, राइट। और एफ ट्रिपल डैश एक्स हमें मिल जाएगा ट्रिपल डैश टू, ये हमारा यहाँ पर हमें मिलेगा ट्वेल्व, राइट।
ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट कर देनी है, फाइनल आंसर आपको मिल जाए। और एफ ऑफ एक्स कितना हमारा, एफ ऑफ एक्स हमारा यही तो है, मीन्स 2x³ + 7x² + x - 1। एफ ऑफ टू कितना हमारा 45 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल मीन्स 1। एफ डैश टू कितना हमारा 53 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। एफ डैश डबल डैश 2 हमारा 38 प्लस एक्स माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 6। एफ ट्रिपल डैश 2 हमारा हो जाएगा 30 12, और ये हमारा हो गया 0, राइट, कैंसिल कर देंगे। तो 2x³ + 7x² + x - 1 = 45 प्लस 53x - 2 + 19x - 2 और प्लस का 2x - 2 का होल क्यूब, यही हमारा हो गया एक्सपेंशन ऑफ गिवन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x - 2 की फॉर्म में, राइट। तो ये हमारा इसका हमारा एक्सपेंशन आ गया x - 2 की असेंडिंग पावर में, राइट। और देखिए यहाँ सेकंड पार्ट में क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा, कि हमारा अल्फा का वैल्यू हमसे पूछा था, यहां से यहां तक का पार्ट देखेंगे आप तो सेम है हमारा, और इसका इस इक्वेशन v का c के साथ जब हम कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग हम जब b और c इक्वेशन का जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमें अल्फा का वैल्यू हमें मिल जाएगा 45। ये हमें इस प्रकार हमें फाइंड करना होगा α = 45। यही हमारा यहाँ पर अल्फा का वैल्यू, दोनों ही क्वेश्चन हमारे एक ही क्वेश्चन के पार्ट थे, मतलब जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसको हम ऑलरेडी करेंगे, अल्फा का वैल्यू हमारा 45 हमें मिल जाएगा, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो चला हो तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हमारी वीडियो कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट। ओके नमस्कार, धन्यवाद।